लो तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। तो एक दिन मैं इंडिया में था तो एकदम से मैंने सोचा यार, अब इंडिया रह के कुछ होने नहीं वाला यार, बाहर ही जाना पड़ेगा स्टडीज करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। अच्छा तो अब मैं कनाडा में हूँ, 15-16 मंथ्स हो चुके हैं। तो मैं आपको बताता हूँ यार कनाडा ना आने के कुछ रीजंस कि आपको यार कनाडा क्यों नहीं आना चाहिए। तो वीडियो पूरी देखना। गाइस ऐसा मत सोचना कि यार मैं डिमोटिवेट कर रहा हूँ बाहर आने के लिए वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि यार आप दिमाग में ये जरूर रखना है बाहर आने से पहले कि यार कि ये जरूर हो सकता है वगैरह वगैरह। तो मैं कुछ पॉइंट्स के थ्रू आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, फ्रेंड्स एंड फैमिलीज बहुत ज़्यादा मिस करोगे, इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिस करोगे। मेरे दो दोस्त हैं, 25 साल के हैं साले। पिछले हफ्ते दोनों ने शादी कर ली, बहन के टुकों ने, तो पता नहीं क्यों जल्दी शादी कर रहे, लेकिन रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ यार, ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट्स मिस करोगे। बस आप ऐसे जो मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ऐसे फोटो में, ऐसे फोन में ही आपके रिलेशनशिप्स वगैरह लिमिटेड हो जाएंगे यार। इन पर्सन जो क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो वो सब कुछ आप मिस करोगे। दूर से वीडियो कॉल वगैरह से आपके रिलेशनशिप्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। हाँ, तो घर की बहुत याद आएगी। घर की जो अहमियत है वो आपको बाहर, मतलब घर से दूर रहने के बाद ही वो महसूस होगी यार। मतलब पहले महसूस नहीं होती थी कि यार घर के पास है, फ्रेंड्स पास है, पेरेंट्स पास है, लेकिन दूर आने के बाद ये सब कुछ महसूस होगा आपको। तो ये जरूर याद रखना। तो जो दूसरा पॉइंट आ जाता है फूड, खाना। यार खाना बहुत ज़्यादा मिस करोगे यार। मतलब जो दिल्ली का जो टेस्ट है, दिल्ली इंडियन फूड का जो टेस्ट है यार, बहुत ज़्यादा मिस करोगे। स्ट्रीट फूड, गोलगप्पे, मोमोज, अय हो ये छोले भटूरे। मेरे घर के पास ना जैन भारती स्कूल हुआ करता था, 30 रुपए की प्लेट होती थी, लेकिन जो टेस्ट था यहाँ पे आप 12-15 डॉलर दे के भी ना जो टट्टी टट्टी छोले भटूरे मिलते हैं ना, मतलब मजा नहीं आता यार। मतलब बिल्कुल नहीं आता। बटर चिकन हो गया यार, कढ़ाई चिकन, ये जो सारी जो भी बढ़िया चीज़ें ना सब इंडिया में रह गई है खाने के चक्कर में। यहाँ पे मिलता सब कुछ है लेकिन वो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो यार खाना बहुत ज़्यादा मिस करोगे। सो तीसरा पॉइंट आ जाता है वेदर। यहाँ पे ना पिछले हफ्ते स्नो स्टॉर्म हुआ था, तो मेरे ख्याल से परसों तक यहाँ पे पूरी बर्फ़ हो रखी थी। 2 दिन से बारिश हुई थी तो फिर वो बर्फ़ सारी पिघल गई है। अब पूरे कनाडा में वैंकूवर को छोड़ के, वैंकूवर और आसपास के एरिया छोड़ के, हर जगह बर्फ़ हो रही है। मैं वैंकूवर में हूँ। मैंने स्पेसिफिकली इसलिए चूज़ किया था कि यहाँ पे इतनी ठंडी है इसलिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे यार माइनस वगैरह में तो जाता ही है। लेकिन जो भी कहो यार, दिल्ली की जो सर्दी है उसकी बात ही अलग है। गर्म गर्म मूंगफलियाँ खाना वगैरह वगैरह यहाँ पे नहीं मिलता यार, कुछ नहीं मिलता। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है ना ट्रांसपोर्टेशन का, यहाँ पे आपको आपके पास गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास गाड़ी नहीं है तो बहुत दिक्कत होती है। मतलब आपको पैदल चलने की आदत डालनी पड़ेगी, पैदल चलने की, बस में जाने की, मेट्रो वगैरह में जाने की, क्योंकि कुछ भी ना पास नहीं है। कुछ भी अगर लेना, आपको दूध लेना हो या एक चिप्स का पैकेट भी लेना हो ना, तो आपको यहाँ के मॉल सुपर स्टोर में जाना पड़ेगा। इंडिया में क्या होता है कि साथ वाले किराने की स्टोर से बाहर 2 मिनट पैदल चलो पहुंच गए। यहाँ पे यार ये ऐसी चीज़ नहीं है, तो ये बहुत बकवास चीज़ है हालांकि यहाँ पे। तो ये ज़रूर याद रखना कि यार यहाँ पे आओगे पैदल चलना बहुत पड़ेगा, और गाड़ी भी हुई तो फिर ना वही गाड़ी कौन जाता है यार, एक लीटर दूध लेने गाड़ी चला के। तो बहुत बहुत ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है यहाँ पे। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्थ केयर का। हालांकि कनाडा इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, लेकिन हेल्थ केयर यहाँ पे फ्री है। हेल्थ केयर ना यहाँ पे फ्री है, लेकिन काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप जाओगे, ठीक है, एक इमरजेंसी में जाते हो, आपका हार्ट टूटा हुआ है, ठीक है, और दूसरे का सर टूटा हुआ है, तो हार्ट टूटने वाले को बोलोगे कि यार आप रुक जाओ, हैं, आप सह सकते हो अभी भी, सर टूटने वाले को ले जाते हैं। मतलब इतनी ज़्यादा वेटिंग होती है यहाँ पर, क्योंकि फ्री है सब कुछ, तो आप बहुत ज़्यादा डिले है, सब कुछ डिलेड है। अगर आपको कैंसर हो गया, भगवान ना चाहे, ठीक है, कैंसर डिटेक्ट होता है, आपको बोलेंगे फ्री है सब कुछ, कोई टेंशन नहीं, लेकिन नेक्स्ट जो अवेलेबल डेट है फॉर द सर्जरी आफ्टर 2 ईयर्स। देखो, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। इसलिए यहाँ के लोग क्या करते हैं,
सिंगापुर ऐसे बाहर कंट्रीज वगैरह जाके कर डालते हैं कि यार इतना वेटिंग नहीं होता किसी से. हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडियंस क्या कर सकते हैं, इंडिया जा सकते हैं. इंडिया को कुछ भी कह लो यार, डेवलपिंग कंट्री है वगैरह, लेकिन हेल्थ केयर बहुत बढ़िया है. अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है यार अकेला रहने की. आपको यहाँ पे आके अकेला रहने की आदत डालनी पड़ेगी. इंडिया से लोग देखते हैं भाई, ओ भाई लड़कियों के साथ घूम रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, क्या बोलता है जाने. कुछ नहीं होता यार, बर्तन मांज रहे होते हैं हम लोग. कोई भी फ्री टाइम मिले बर्तन मांजना, बाथरूम साफ करना, खाना बनाना, इसी चीज में लाइफ निकल जाती है. बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना. ठीक है, तो अगर आप मतलब आपको आप सेल्फ इंडिपेंडेंट तो जरूर हो जाते हो, लेकिन ये जरूर याद रखना यार बहुत लोनली वगैरह फील हो जाता है कभी कभी. क्योंकि फॉर मी पर्सनली मैं किसी को जानता नहीं, मेरे यहाँ पे आके जो फ्रेंड्स वगैरह बने हैं ऐसे ही बने हैं, लेकिन मैं इंडिया से पहले ही किसी को नहीं जानता था जो यहाँ पे था. तो ऐसे अकेला बहुत जरूर अकेला महसूस जरूर होगा. नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि यार वापस जाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार. मतलब आप फ्लाइट पकड़ के जाओगे तो एक डायरेक्ट फ्लाइट भी 15-16 घंटे दूर है, वो भी डायरेक्ट फ्लाइट, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. तो आना जाने में आपके यार 2-2 लाख के करीब लग जाएंगे जस्ट फ्लाइट के. तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और बहुत दूर है, तो यार बहुत ज़्यादा मुश्किल है यार वापस जाना, है ना. ये नहीं पास में ही 2-3 घंटे दूर फ्लाइट पकड़ के पहुँचो, नहीं यार ऐसा नहीं होता. तो हाँ वापस जाना बहुत मुश्किल है. बाकी देखो यार यही कुछ पॉइंट्स थे. और देखो यार अपने देश को कोई छोड़ के बाहर कोई जाना नहीं चाहता, है ना. इंडिया कनाडा से बहुत बेटर हो सकता है अगर करप्शन ना हो, और ये जो पॉलिटिक्स है अगर मुद्दे पे काम हो, ग्रोथ पे काम हो, इन सब पे अगर कुछ सालों में आगे काम होता है तो फिर इंडिया से बेटर कुछ नहीं है, है ना. रिलीजियस पॉलिटिक्स छोड़ के ग्रोथ ओरिएंटेड पॉलिटिक्स हो तो इट्स मच बेटर, है ना यार. बाकी देखो मैंने ना आपको डीमोटिवेट करने के लिए वीडियो नहीं बनाई. कुछ पॉइंट्स थे, मैं खुश हूँ यहाँ पे, आई एम हैप्पी, फ्री, एट द सेम टाइम लोनली, मिजरेबल, ठीक है, और क्या था, इट्स मिजरेबल एंड मैजिकल एट द सेम टाइम. तो एक गाना है तो उसे कुछ वर्ड्स मैंने यूज करके ऐसा बोला जो मेरी सिचुएशन भी है. गजब टू बी वाज आदमी. बाकी यार कनाडा का स्नोफॉल, कनाडा का वेदर, कनाडा के लोग सब बढ़िया है, लेकिन यार इंडिया से इंडिया की सर्दियाँ, दिल्ली की सर्दियाँ, इंडिया के लोग, और दिल्ली की सर्दियों में मूंगफली खाना, और दोस्तों के साथ आवारापंती करना, स्कूटी बाइक में वगैरह घूमना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, इस चीज़ को आप बीट नहीं कर सकते, है ना. तो हाँ यार जो कनाडा आना चाहे आओ, वेलकम, पैसा कमाओ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये पॉइंट्स कुछ ज़रूर याद रखना, ठीक है. तो मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. होप सो आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और कीप सपोर्टिंग.